हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममाज किचन में। आज मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये है मूंग और मेथी की सब्जी। हरे मूंग और हरे मेथी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, आज ये रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग मेथी की सब्जी बनाने का। ये एक से डेढ़ कप मैंने मूंग को स्प्राउट कर लिया है। मूंग को ओवरनाइट भिगो के उसमें से पानी निकाल के उसको कैसरोल में बिना पानी का ही बंद किया है, ताकि वो अच्छे से स्प्राउट हो जाए। कैसरोल में स्प्राउट करने से स्प्राउट बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, आप ये जरूर ट्राई करना। और ये है एक जुड़ी छोटी मेथी ली है, और उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और मेजरिंग कप में ये दो कप जितनी मेथी है। ये एक बड़े टमाटर को मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको क्रश नहीं करना है, ऐसे ही यूज़ करना है। अब प्रेशर कुकर में सारे मूंग को ऐड करें, उसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड करें। थोड़ी सी हल्दी को ऐड करें और आधा ग्लास पानी ऐड करें। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब कुकर का लिड बंद करके उसकी सिर्फ एक ही विसल लगानी है। आप चाहें तो उसको सीधा भी पैन में कर सकते हो, मगर ये प्रोसीजर पहले करने से प्रेशर कुकर में वो जल्दी पक जाएंगे और आपकी सब्जी झटपट बन जाएगी। ये देखिए, एक विसल हो गई है, तो प्रेशर कुकर हम लोग नीचे उतार लेंगे और एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। दो सूखी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितनी मस्टर्ड सीड यानी कि राई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची के टुकड़े और कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, और लहसुन की कलियां ऐसे साबुत ही ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप चॉप करके भी या क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। और मीडियम आंच को इसको तब तक भूनना है कि जब तक लहसुन की कलियां थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो लहसुन की कलियां अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो अब हम उसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग पहले नहीं ऐड करनी है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब उसमें टमाटो क्रश किया हुआ है वो ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें सारे मसाले करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और धीमी आंच पर उसको सौते करें। कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहें ताकि मसाले जले नहीं। अब आप देख सकते हो ऑयल पूरा सेपरेट होने लगा है। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो उसमें हम लोग पहले मेथी ऐड करेंगे। अब विंटर सीजन है तो मेथी बहुत ही फ्रेश और अच्छी आती है। अब मेथी को भी अच्छे से हम लोग मसाले के साथ मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मेथी को पकाएंगे। मेथी को पकने के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान रखें जब भी ऐड करें, हम लोगों ने मूंग में भी डाला था, इसलिए जितना मेथी में लगे उतना ही हम लोग ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसको ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे।
अब हमारे मूंग भी पक चुके हैं, एकदम खिले खिले मूंग है। उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ एक ही विसल लगानी है ताकि वो ऐसे अच्छे से पक जाए। मूंग का एक दाना दबा कर देखे, अच्छे से पक गए हैं। अब हमारी मेथी भी अच्छे से पक चुकी है, तो उसमें हम सारे मूंग को ऐड करेंगे। मेथी की जगह आप पालक भी ऐड कर सकते हो। अब सारे मूंग को ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मूंग और मेथी की ऐसी सूखी सब्जी भी सर्व कर सकते हो, मगर आज मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मैं पानी ऐड करूँगी उसमें। ये सब्जी रोटी, पराठा, भाकरी या बाजरे की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप उसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप अपने हस्बैंड के या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये देखिए, सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। अब उसमें मैं एक गिलास जितना पानी ऐड करूँगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको ढककर हम लोग पकाएंगे। 4 से 5 मिनट तक उसको उबालना है एक साथ में। आप देख सकते हो मूंग और मेथी की सब्जी अच्छे से उबल चुकी है, अच्छे से पक गई है। अब उसमें हम लोग कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। और 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। धनिया जीरा पाउडर ऐड करने से एक बहुत अच्छी खुशबू उसमें आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसको अच्छी तरह मिक्स कर ले और गैस की फ्लेम बंद कर दे। तैयार है मूंग और मेथी की सब्जी। ये झटपट बनने वाली सब्जी आप ज़रूर ट्राई करें। उसको गर्मा गर्म रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी ऐसी नई नई और आसान रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और फिर नई रेसिपी लेकर आऊँ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।